हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम आ रही हो, फिर मैं आपको यहां पे दिखाता हूं ये कैसे तैयार किया गया है। ये देखिए, यहां पर नेम ऑफ आइटम आ रहा है और यहां पर टोटल हो जा रहा है, उस नेम ऑफ आइटम और रेट के हिसाब से टोटल हो जा रहा है। क्वांटिटी का भी टोटल हो रहा है, टोटल का भी टोटल हो रहा है, फिर डिस्काउंट कितना मिला उसका टोटल परसेंटेज भी दिखा रहा है और अमाउंट कितना हुआ वो भी दिखा रहा है। टोटल डिस्काउंट अमाउंट तो कैलकुलेट हो ही रहा है परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन उसका भी टोटल होता जा रहा है। अब यहां पर मैं एक आपको एंट्री पास करके दिखा देता हूं, जैसे एक एंट्री और पास करता हूं मैं इसमें। जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा रेड चिली पाउडर, ये लिखा रेड चिली पाउडर, ई ओ डब्ल्यू डी आर, तो ये हो गया रेड चिली पाउडर। और रेड चिली पाउडर लिखने के बाद एक पैकेट 40 रुपए की है, तो ऐसे ऐसे 200 पैकेट्स कितने के आएंगे वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। इस पर 2% का डिस्काउंट मिलेगा, लीजिए 160 रुपए डिस्काउंट आ गया। और इसका भी टोटल हो क्या गया, मतलब टोटल जितना आप करते जाएंगे उसका टोटल यहाँ नीचे शो होता जाएगा। ये कैसे हुआ, कैसे किया, इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं यहां से एक क्रिएट पे जाकर के एक टेबल ले लेते हैं। तो ये टेबल पे आ गए, ये न्यू टेबल हमें मिल गई है और यहां से इसका नाम आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यही रहने देता हूं और यहां पर आईडी रख देता हूं। ठीक है, आईडी रख दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल वे में यहां पर आईडी को आईडी ही रख करके आगे बढ़ना है। यहां पर हम चाहते हैं नेम ऑफ स्टॉक आइटम, ठीक है, या स्टॉक आइटम कर देता हूं, स्टॉक आइटम ये दे दिया स्टॉक और फिर दे दिया आइटम, तो ये हो गया स्टॉक आइटम। और यहां स्टॉक आइटम के नेम आएंगे, आप चाहे तो ड्रॉप डाउन में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर स्टॉक आइटम की प्राइस आएगी, तो प्राइस को हम हमेशा रखेंगे करेंसी डेटा टाइप, ठीक है, ये 2007 यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर मैं अमाउंट यानी कि क्वांटिटी कर देता हूं, क्यूटीवाई क्वांटिटी, ठीक है। और क्वांटिटी को हम क्या रखेंगे, यहां पर नंबर डेटा टाइप रख लेते हैं। आप चाहे तो इसको डेसिमल बनाने के लिए यहां से जाकर के और यहां पर आप डबल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां पर टोटल करेंगे, इसका टोटल करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपका रिजल्ट आएगा तो इसे बना दीजिएगा नंबर डेटा टाइप। यहां से टोटल हम नहीं करेंगे, ठीक है, यहां से टोटल हम नहीं करेंगे। यहां पर आता हूं तो यहां पर अब टोटल के बाद डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट ये लिखा डिस्काउंट, सिंपली डिस्काउंट इस तरीके से लिख दीजिएगा, एकदम आसान है। और यहां पर इसको नंबर रख दीजिएगा। फिर यहां पर आते हैं तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां पर लिखा मैंने डिस्काउंटेबल अमाउंट, ओके, तो ये हो गया डिस्काउंटेबल अमाउंट। और डिस्काउंटेबल अमाउंट आपको लिख करके क्या करना है, यहां पर नंबर डेटा टाइप रख देना है। तो ये नंबर डेटा टाइप रख दिया हमने, बस हो गया काम। यहां से व्यू पे जाइए और इसको सेव कर लीजिए, इस तरीके से ये नजर आएगा। लेकिन अभी हम यहां पर काम नहीं कर सकते क्योंकि हमने क्वेरी बनाई नहीं है। तो यहां से चल करके क्वेरी डिजाइन पे जाकर के और फिर एक क्वेरी बना लेते हैं। हमारा टेबल टू था तो टेबल टू ले लिया हमने और इस तरीके से ये स्टॉक आइटम प्राइस क्यूटीवाई क्वांटिटी टोटल और सारी चीजें लेते चले जाएंगे, डिस्काउंट डिस्काउंटेबल अमाउंट, ओके, ये सारी चीजें हो गई। यहां पर क्लिक किया, यहां पे कॉलन लगाया, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन किया, टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं प्राइस इनटू यूनिट। तो ये हो गया प्राइस मल्टीप्लाई बाई यूनिट, यूएनआईटी यूनिट हो गया। इसको क्लोज करने के बाद अब क्या करना है, यहां पर रखना है डिस्काउंटेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा ये हमें समझना है, ठीक है। तो डिस्काउंटेबल अमाउंट कैलकुलेट करने से पहले एक काम और हमें करना है, वो क्या करना है वो आपको बता देता हूं। हमें चलना है वापस से अपने टेबल टू पर, ये टेबल टू पे आए और इसे लेना है डिजाइन व्यू पर। ये ध्यान रखना है कि जो ये डिस्काउंट वाला अमाउंट होगा यहां पर इसे हमें बना फील्ड साइज को डबल रखना है, आपको क्या रखना है डबल। तो यहां से सिंगल के बजाय डी ओ यू बी एल ई डबल रख लीजिएगा इसको और फॉर्मेट इसका रख दीजिएगा परसेंटेज। तो यहां से जाइएगा तो ड्रॉप डाउन में आपको परसेंटेज मिल जाएगा, बस इसे परसेंटेज कर दीजिएगा, बाकी सारी चीजें सही है। अब हम वापिस से आते हैं कहां पे, यहां पर क्वेरी पर आते हैं, तो ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पे डिस्काउंटेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, केवल यहां कॉलन लगा करके यहां स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा और टोटल तो हमारे पास पड़ा ही हुआ है, टोटल में ही हमारा डिस्काउंट छिपा होगा, तो ये टोटल हो गया मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, यहां पर कर देंगे डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज में है तो यहां पर कोई अलग से फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं, सारा फॉर्मूला की सेटिंग पहले ही हो चुकी है। यहां पे केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्काउंट से और ये हो जाएगा काम, ठीक है।
यहाँ पर देख सकते हैं ये प्राइस में PRI टूट गया है जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। ये PRICE दे देंगे बस काम हो जाएगा। और यूनिट तो है ही नहीं, यूनिट तो बनाया नहीं हमने, और यहाँ पे QTY था तो इसके वजह से दिक्कत हो रही है। ये सब दिक्कतें आपके साथ ना आए इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, सावधानी से काम करिएगा। ये हो गया और यहाँ से आप व्यू पे क्लिक कीजिए, ये काम हो गया है। अब ये डिस्काउंटेबल अमाउंट भी कैलकुलेट करके देगा। अब यहाँ पर स्टॉक आइटम का हम नाम लिखते हैं, चलिए नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया RICE राइस, ठीक है, प्राइस है 30 रुपए किलो और यहाँ क्वांटिटी है 600 किलो, ठीक है, यहाँ पे आ गया इसके हिसाब से टोटल। फिर यहाँ डिस्काउंट इसमें 5% का दे दिया और देखिए डिस्काउंटेबल अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो गया, देख सकते हैं। यहाँ पे कर दिया पल्स, PULSE पल्स किया और यहाँ पर कर देते हैं पल्स 110 रुपए किलो और यहाँ पर 500 किलो पल्स की बात करेंगे और यहाँ पर डिस्काउंटेबल अमाउंट 3% है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये डिस्काउंट कैलकुलेट होकर आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर कर देते हैं कुछ और लाइक मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ओआईएल ऑयल, तो यहाँ पे देखेंगे तो मस्टर्ड ऑयल का भी पूरा डिटेल कैलकुलेट होकर आ जाएगा, 185 रुपए लीटर है, ठीक है, और यहाँ पर 400 लीटर मस्टर्ड ऑयल की बात हो रही है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये आ जाता है और यहाँ पे 4% का डिस्काउंट मिल गया। लेकिन अभी हम टोटल नहीं कर पा रहे, यहाँ पे टोटल करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर टोटल दिखाई दे रहा होगा, इसी पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे नीचे यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी करना है, मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालना, जो भी निकालना है आप यहाँ से सीधा निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देख सकते हैं अभी हम फॉर्म व्यू पे हैं, ये पुराना वाला फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर हमने कोई फॉर्म नहीं बनाया, हम डायरेक्टली टोटल करना चाहते हैं, लेकिन हम टोटल यहाँ से नहीं करेंगे, अभी इसको हम फॉर्म बनाएंगे। तो पहले इसको सेव कर लेता हूँ, क्वेरी 2 के नाम से ही सेव कर लेते हैं, चलिए आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से चल करके एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मोर फॉर्म आपको मिलेगा, डेटा शीट व्यू भी मिल जाता है और मॉडल डायलॉग और फॉर्म विजर्ड भी मिल जाता है। सीधा फॉर्म बना सकते हैं, किसी भी तरह का फॉर्म बनाएंगे ये कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं डेटा शीट व्यू में कैलकुलेट करना तब तो बड़ा आसान हो जाता है काम, यहाँ डेटा शीट व्यू पे क्लिक कीजिए या आप आ चुके हैं डेटा शीट व्यू में, ये क्वेरी 2 नाम दिखा रहा है, आप चाहे तो इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब चेंज करते हैं, चलिए चेंज ही कर लेते हैं, यहाँ से सेव करते वक्त इसका नाम मैं चेंज करूंगा, फॉर्म क्यू लिखूंगा, फॉर्म क्यू, ठीक है। तो ये लिखा फॉर्म क्यू और इसको ये ऑलरेडी कोई नाम है फॉर्म क्यू के नाम से, तो यहाँ पे फॉर्म क्यू 1 कर लेता हूँ और ये करके इसको सेव किया। अब क्या करना है, यहाँ पे होम टैब पे जाएंगे तो ये आपको टोटल हाईलाइट मिलेगा, क्योंकि हम हैं अभी फॉर्म के डेटा शीट व्यू में, फॉर्म के डेटा शीट व्यू में है, क्वेरी के डेटा शीट व्यू में नहीं है। तो यहाँ पर इस पे क्लिक कर दीजिए टोटल पे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये टोटल यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अब आपको किसका किसका टोटल चाहिए, जैसे प्राइस का टोटल चाहिए तो यहाँ पे सम क्लिक कर दीजिए, ये प्राइस का टोटल आ जाता है। फिर यहाँ पर सम पे क्लिक कीजिएगा तो ये क्वांटिटी का भी टोटल करके दे देगा और यहाँ पर टोटल का टोटल चाहिए तो यहाँ पे सम पे क्लिक कीजिएगा तो ये टोटल का टोटल भी करेगा और डिस्काउंट का टोटल भी आपको कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। देखिए ये सब कैलकुलेट कर रहा है, क्लियर है बात। तो यहां से इसको सेव कर लीजिए और जब इसका प्रिंट आउट देना होगा तो थोड़ी सी सेटिंग आपको करनी होगी।